20 दिसंबर को फेसबुक ने संयुक्त किसान मोर्चा के फेसबुक पेज को अप्रकाशित कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए तो पेज को वापस प्रकाशित किया गया। किसानों का कहना है कि ऐसे पेजों की भूमिका तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर उन्हें निशाना बनाया जाता है। किसानों के सामने क्या चुनौतियां हैं और वो उससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने किसान एकता मोर्चा के मीडिया संयोजक हरिंदर से इस बारे में बात की। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ऑफिशियल है वो तो ये है कि हमें किसी को हम बिल्कुल मना भी नहीं करेंगे, कोई आके अपना यहाँ पे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसा है कि लोगों का जो जायज़ फ्रस्ट्रेशन है, जायज़ फ्रस्ट्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने पिछले स्पेशली पिछले 6 साल से जो काउंटर किया गया है जो पब्लिक वॉइसेस पे, चाहे कोई आइडेंटिटी भी, चाहे कोई भी हो आपकी जो आइडेंटिटी डिप्राइव्ड आइडेंटिटी है, जिस तरह से उनको मूवमेंट्स को दबाने के लिए मीडिया हमेशा एक कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। कभी वो नक्सली करार अर्बन नक्सल दे बोल देते हैं, कभी वो खालिस्तानी बोल देंगे, कभी वो आपको कम्युनिस्ट बोल देंगे, कभी वो आपको पाकिस्तानी बोल देंगे, देशद्रोही बोल देंगे, तो वो एक उनका था। तो जो पर्टिकुलर लोग हर्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक किसान आए हुए थे बुज़ुर्ग, उनके बेटे उनका बेटा कश्मीर में शहीद होता है और उनके बाप यहाँ पे हैं, तो अब उन जैसे लोगों को आप देशद्रोही बोलोगे, पाकिस्तानी बोलोगे, तो वो सही बात है। कई बार बाहरी नैरेटिव इस प्रदर्शन की आंतरिक स्थितियों पर असर डालते हैं। ऐसे में आपसी मतभेद कैसे सुलझते हैं और आपसी समन्वय कैसे स्थापित होता है? पंजाब यूनिवर्सिटी में सक्रिय स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी से जुड़े रमन हमें बताते हैं कि वो प्रदर्शन के भीतर काउंटर नैरेटिव कैसे सेट करते हैं। तो कुछ अफवाहें चल पड़ती हैं, जैसे बीच में ये अफवाह चल पड़ी कभी फौज लगाई जा रही है, मैं डराने का एक तरीका है, और फिर ये है कि भाई उसको काउंटर करना और जगह जगह पे मीटिंग करने के, यहाँ से लेके पीछे तक मतलब 40-50 स्पॉट हैं जिन पे मीटिंग की होगी, तो मीटिंग करना, मीटिंग के बाद कंटेक्ट लेके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, उनमें अगर कोई अफवाह चल रही है, कुछ और बातें चल रही हैं उसके बारे में बातचीत करना। ज़्यादा हमें जो अभी के लिए ज़रूरी लग रहा है कि प्रोटेस्ट कैसे आगे मूव करना चाहिए, मतलब 3-4 तरीके हैं। जैसे एक तो पहले था कि हम उसको बोलते हैं ट्रॉली मीटिंग कह लो ना, कि एक एरिया डिवाइड किया कि 4 लोग इस एरिया में जाएंगे, मतलब ट्रॉली आधा किलोमीटर का एरिया लगा लिया कि 4 लोग इसमें जाएंगे, 4 उस साइड, आप ट्रॉली में जाएंगे, 4-5 लोग बैठे होंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे कि अभी क्या चल रहा है, कि ये बात आपको पता हो गया ऐसे चल रही है, तो वहाँ पे एक जगह पे एक दिन में मतलब 5 से 10 ट्रॉली बंदा निकालता है, फिर आधा घंटा एक ट्रॉली पे बैठे उनसे बात करी पूरी। एक तो ये तरीका है जिसको ट्रॉली मीटिंग कह सकते हैं। दूसरा है कि भाई एक तरीका कि आधे किलोमीटर में आप मतलब 2-4 टीम भेजो, मतलब 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, तो एक आप वहाँ पे उनको बोलो कि एक मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा इकट्ठा हो जाइए, लोग इकट्ठा होते हैं, 15-20 मिनट लगते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आप लेक्चर करेंगे वहाँ पे, मतलब जैसे पीछे आपके माइक पड़ा है, माइक स्पीकर, इसको लेके फिर एक छोटी मीटिंग करेंगे, कुछ गीत रखेंगे, बातचीत रखेंगे कि अभी ये चल रहा है, उसके बाद फिर उनसे अपील करना कि आप अपना कॉन्टैक्ट दीजिए, हम एक ग्रुप बना रहे हैं उसमें, मतलब ज़्यादातर लोग कॉन्टैक्ट दे देते हैं, फिर कॉन्टैक्ट बना रहता है। तीसरा तरीका है मतलब पैम्फलेट का, कि आप ट्रॉली टू ट्रॉली पैम्फलेट बांटते जाइए, कोई भी स्पेस आपको मिलेगी वहाँ रुक के बात करेंगे। चौथा है पोस्टर का, कि अभी हमने कुछ जैसे ये था जब अमेंडमेंट आया उसके बाद कुछ पोस्टर निकलवाए हैं, वो भी ये था कि हर ट्रॉली टू ट्रॉली उसको चिपका देंगे कि जो अमेंडमेंट हैं वो मतलब किसी काम के क्यों नहीं है, तो पोस्टर का एक तरीका हो गया। फिर एक उसके बाद है कि जनरल मीटिंग की कॉल दे देते हैं, कि चाहे आप किसी भी यूनियन से जुड़े हुए हैं, जो भी नौजवान हैं उनको कॉल दें कि भाई मूव करके कॉल दें कि आज शाम को मीटिंग है KFC में, तो जैसे 2-3 मीटिंग ऐसी करी हैं, मतलब उसमें मतलब 50 नौजवान मतलब आ जाते हैं, तो वो एक्टिव सेक्शन है, फिर वो जाके खुद भी बात करता है कि वहाँ क्या क्या नैरेटिव आ रहे हैं, वो भी हमारे पास आ जाते हैं, और क्या क्या बातें चल रही हैं वो क्लियर, फिर उस पर सिचुएशन है क्या एग्जैक्टली वो बात की जाती है। फेक न्यूज़ की चुनौती का सामना करने और अधिकांश लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए किसान एकता मोर्चा ने IT सेल का गठन किया है। इस IT सेल के हेड बलजीत सिंह ने हमसे सेल की कार्यशैली के बारे में बात की। हमने यहाँ पे अपना एक छोटा सा बेस बनाया हुआ है, 2-3 लोग मेरे यहाँ स्टेज पे होते हैं, उसके अलावा कैमरा वाले हैं, देन वॉलंटियर्स 200 मीटर 300 मीटर पे 400 मीटर पे एक एक वॉलंटियर है कि कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाए। सेकंडली जो हमारा मेन जैसे वीडियोस बनानी, उनको अपलोड करना,
लाइव सेशन के लिए तो हमारे पास कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सा हम अपने फ़ोन से ही लाइव हो जाते हैं जिनकी वीडियो लाइव कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही एक आधा कंप्यूटर रखा हुआ है वहाँ से कर लेते हैं। सेकंडली हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉलंटियर्स जो जिनकी बैकग्राउंड आईटी की है, आई एम नॉट डिनाइंग कि उनकी आईटी की बैकग्राउंड नहीं है, उनकी आईटी की बैकग्राउंड है, वो कोई हरियाणा का है, कोई राजस्थान से है, दिल्ली से हैं एक दो, पंजाब से हैं एंड एमपी से है, तो वो लोग काफ़ी हमारी हेल्प कर रहे हैं। उससे दो तरह के आईटी सेल होते हैं, एक होते हैं सच्चाई को पेश करने वाले और एक होते हैं झूठ को फैलाने वाले। जो भी उनके ऊपर अटैक करेगा उन्होंने उसको डिफेंड करना है, चाहे वो सही तरीके से करें चाहे वो गलत तरीके से करें, इसलिए उनका आईटी सेल चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पे भी अटैक करना है, उन्होंने सिमिलरली दूसरी पार्टियों पे भी अटैक करना है कि हमारे ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन जो हमारा मोटो है, हमारे आईटी सेल का मोटो है, दैट इज सोली ट्रुथ, सच्चाई सामने पेश हो। लाइक अ वीक बैक एक चैनल ने एक घंटे का एक प्रोग्राम चलाया जिसमें उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस चुके हैं, इस आंदोलन में आतंकवादी घुस चुके हैं। उन्होंने फोटोज दिखाई खालिस्तान के फ्लैग की और AK-47 की उसके लॉगो की फ़ोटो एंड ऑल दैट। वो यहाँ की नहीं थी, वो किसी फॉरेन कंट्री की थी, किसी फॉरेन कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे उन्होंने वो तिरंगे झंडे उसके जो थे खालिस्तान के वो लहराए। उन्होंने फ़ोटोशॉप करके कुछ फ़ोटोज़ यहाँ से ली, कुछ फ़ोटोज़ वहाँ से ली और प्रेजेंट कर दिया, वो हो गया झूठ। उस टाइम पे हमारा आईटी सेल नहीं था, दैट वाज द मेजर रीज़न टू ब्रिंग द आईटी सेल, इंट्रोड्यूस द डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि अगर कुछ झूठ फैल रहा है उसको करेक्ट कैसे करना है, उसको सच्चाई कैसे लोगों तक पहुँचानी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।